और रही बात परिवारवाद की, बात कर रहे थे ना आप, 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी इलेक्शन लड़के आया था, पायलट था वो, पायलट उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय हमारे गृह मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और आपको पता होना चाहिए, जिस समय कोई प्रधानमंत्री होता है, अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो गृह मंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पता है आपको ना। तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और राजीव गांधी के अकस्मात जो घटना हुई थी उसके बाद कौन बना था प्रधानमंत्री, बना था पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को उस समय बनना चाहिए था जिस समय राजीव गांधी को परिवारवाद में प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनका कहना अक्सर यही रहता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में एक लड़की को जलाकर खाक में मिला दिया गया, लेकिन ये लड़की जो कहती है कि लड़ सकती हूँ, कहाँ अंतर ध्यान हो जाती, कुछ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। देखो कोई भी इनके पास पॉलिसी नहीं है, सब फेक वादे थे, फेक एंड फेल्ड गवर्नमेंट रही है बीजेपी गवर्नमेंट। हमने बड़ी खुशी से वोट दिया था, मोदी जी आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने, ना मेट्रो का एक्सपेंडेशन किया, कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस ने बनाई है जो राजी, कुछ नहीं किया, मेट्रो कहीं नहीं बढ़ाया इन्होंने। रेवड़ी जी से राहत कहते हैं, कांग्रेस ने अगर बोला तो करेंगे भी। बीजेपी ने क्या कहा था, ये जो आपकी स्मृति ईरानी थी, राजनाथ सिंह थी, सिलेंडर लेके और वो टमाटर प्याज लेके मध्य प्रदेश में डोल रहे थे, हम ये कर देंगे, इतना सस्ता कर देंगे, क्या सिलेंडर का हाल, अब इलेक्शन आने वाला है, 200 रुपए कम कर दी। बिहार में बुरा हाल है, इसीलिए तेजस्वी की सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव हो जाएगा तो परिवर्तन होगा क्या? 2024 से जो बदलाव की बयार बहेगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पता कट गया, 2017 के बाद अखिलेश यादव का पत्ता कटने का काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक उसी तरह 2024 के बाद पलटू चाचा और तेजस्वी यादव की का जो नाम है बिहार खत्म करने वाला, ये बिहार की जनता कह रही है। वो प्रियंका वाड्रा है या प्रियंका गांधी, ये देश की जनता पहले इसका पता करे और हमको खबर करे। वो राजस्थान में गारंटियां दे रही है फिलहाल इस समय। क्या गारंटी, राजस्थान में रैली मैं लड़की हूँ, प्रियंका गांधी वही है ना प्रियंका वाड्रा जी, उनका कहना अक्सर यही रहता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में एक लड़की को जलाकर खाक में मिला दिया गया, लेकिन ये लड़की जो कहती है कि लड़ सकती हूँ, कहाँ अंतर ध्यान हो जाती, कुछ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। उसका पता करो, ढूंढो, या तो गुमशुदा में उसका नाम लिखा कर पुलिस में रपट लिखाओ। मतलब रपट लिखवानी पड़ेगी। और ये चुनाव के टाइम में ही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बाकी टाइम में क्यों नहीं। जब आपकी सत्ता राजस्थान के अंदर है तो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया गया? आज महिलाओं से अभद्रता के मामले में अगर पूरे देश में कोई कैपिटल वन है तो राजस्थान है, जहाँ कांग्रेस की सरकार। सवाल उठाते विपक्ष तो कह देता मणिपुर की ओर रुख कर ले। मैडम मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं है बीजेपी का, जब जब इलेक्शन आता लॉलीपॉप देती है, रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। बेरोजगारी के नाम पे जीरो, कभी बात नहीं करेगी ना मीडिया वाले करते हैं, सारे चैनल विपक्ष कर रहा है, विपक्ष बात कर रहा है, विपक्ष बात कर रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है। क्या विपक्ष नहीं उठाता है, क्या बात करते हो आप? आप भी इसको दिखाते हो। राजस्थान में कितनी बार उठाए विपक्ष ने, छत्तीसगढ़ में कितनी बार उठाए सर? कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, अगर बजट देना है बिहार को, बजट देना होता है, कुछ देता है, लेकिन ये क्या है, जब पांच रोटी के भूखा देते एक रोटी है। आज देखो कोई भी इनके पास पॉलिसी नहीं है, सब फेक वादे थे, फेक एंड फेल्ड गवर्नमेंट रही है बीजेपी गवर्नमेंट। हमने बड़ी खुशी से वोट दिया था, मोदी जी आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने, ना मेट्रो का एक्सपेंडेशन किया, कुछ नहीं किया। ये कांग्रेस ने बनाई है जो राजी, कुछ नहीं किया, मेट्रो कहीं नहीं बढ़ाया इन्होंने। मेट्रो की छोड़िए, रैपिड रेल भी आ गई है। रैपिड रेल नहीं, मेट्रो का ये अभी सुनो, तो हमेशा ये इनकी नई नई स्कीमें चालू होती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी कि हमेशा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि इस हमारे इंडिया में उनका ही खून रहा है, उनका ही रहेगा और उनका ही था। क्योंकि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एज अ यूथ मैं कह रही हूँ, आई डोंट थिंक कि वो आगे परस्यू कर पाएंगे फ्यूचर को। इनका तो अभी से, जब से इनका इलेक्शन कब हुआ था 2014 में, तब से हमारे ये इलेक्ट हुए हैं हमारे मोदी जी। ठीक है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रही है? आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी, मैं ये कह रही हूँ विपक्ष ने तो बात कहता ही करती है ना, कांग्रेस के कैंडिडेट होना चाहिए। विपक्ष का एक कैंडिडेट तो सोच रही होंगी ना कि एक नेता ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री की। प्रियंका गांधी भी अच्छा कर रही है, एक मल्लिकार्जुन कांग्रेस बढ़ाएगी उनको आगे, बनाने की बात नहीं। हमारी डेवलपमेंट्स देखिए ना, हमारी उनकी स्कीम्स देखिए कि जो वो जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, उनको दबाया जा रहा है, ये डिफेमेशन क्यों? राजस्थान में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा है कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और 500-500 सिलेंडर मिलेगा अगर उनकी सरकार आती है, तो इस तरीके की जो फ्री की रेवड़ी दी जा रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो रियलिटी है। रेवड़ी जी राहत कहते हैं, कांग्रेस ने अगर बोला तो करेंगे भी। बीजेपी ने क्या कहा था, ये जो आपकी स्मृति ईरानी थी, राजनाथ सिंह थी, सिलेंडर लेके और वो टमाटर प्याज लेके मध्य प्रदेश में
रुपए डोल रहे थे, हम ये कर देंगे, इतना सस्ता कर देंगे, क्या सिलेंडर का हाल, अब इलेक्शन आने वाला है, 200 रुपए कम कर दी। मैंने जो 2014 से लेकर अभी तक देखा है, बीजेपी गवर्नमेंट फेल्ड गवर्नमेंट रही है ना, हमने बहुत सोच समझ वोट दिया था, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी सत्र में उन्होंने काम नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसे क्या बात करते हैं, बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा 2019 मैडम, लेकिन अब ये है ना, अब मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला कभी इस तरीके की बात नहीं करता, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो सकता है, नहीं माइंड नहीं हो सकता। मैम क्या बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ मध्य प्रदेश में पैसे तोड़ दो, हरियाणा में पैसे से खरीद लो, ऐसे का जुगाड़ जुगाड़ करते हैं। सुनो, कांग्रेस ने भी कमियां रही है, कांग्रेस में कैसा भ्रष्टाचार ज्यादा था, ये तो बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस में करप्शन ज्यादा था। मैं ये कहता हूँ, अब ये कह दे कि बीजेपी की कमी बता दे, अब मैंने बता दिया भ्रष्टाचार नहीं है, कमी पाकिस्तान को ठोक दिया, पाकिस्तान को ठोक दिया, चांद के ऊपर तिरंगा लहरा दिया, कमी क्या बताऊं? अरे भाई कमी तो एक मिनट बताओ, 65 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 22 अभी निर्माणाधीन है। और रही बात परिवारवाद की, बात कर रहे थे ना आप, 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी थी तो राजीव गांधी इलेक्शन लड़के आया था, पायलट था वो, पायलट उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया, उस समय हमारे गृह मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और आपको पता होना चाहिए, जिस समय कोई प्रधानमंत्री होता है, अकस्मात कोई घटना घट जाती है तो गृह मंत्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पता है आपको ना, तो उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे। और राजीव गांधी के अकस्मात जो घटना हुई थी उसके बाद कौन बना था प्रधानमंत्री, बना था पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को उस समय बनना चाहिए था जिस समय राजीव गांधी को परिवारवाद में प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसे कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद का उन्होंने मतलब बताया, मैडम मेरी बात सुनो, देखो परिवारवाद दोनों पार्टियों में पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप ये चाहते हो, देखो एक्सपीरियंस होल्डर को ही, एक मिनट रुको मैम, एक्सपीरियंस होल्डर सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप क्या हो आप मेरी, अब मैं आपको कह दूंगा कि जाके आप एक कैबिनेट की कुर्सी संभालोगे, नहीं संभाल पाओ, क्यों, आपको अनुभव नहीं है, आप उस चीज जुड़े नहीं हो, क्या ये बताओ, एक मिनट रुको भैया, आप दे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है? अरे भैया जनता को राजनीति के बारे में नॉलेज था, पीवी नरसिम्हा राव जो नॉलेजफुल आदमी थे, ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री को जो कैबिनेट में बिठाया जाएगा तो वो इस चीज को नहीं चला पाएंगे सर, और जो आदमी जो है सीधा जहाज से उतार के उसे प्रधानमंत्री बना दे, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो उस समय की वो बात उठा रहे हैं। देखो मैम उस समय की सिचुएशन क्या रहेगी, उस समय तो मान लो हम पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होल्डर है, मान लो आपके पिता, मान लो बात तो आप 70 साल पर इन पुरानी मैम हमने पढ़ा, सुनो मेरी बात सुनो, अब मान लो आपके पीछे आपके पिताजी मान लो कोई कैबिनेट में कुछ है तो आपको सलाह देंगे, चिरा देंगे, संभाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे, इसीलिए कभी भी परिवारवाद ही जोड़ते हैं, दोनों में परिवारवाद है, मेरी बात सुनो, परिवारवाद दोनों ही है, परिवारवाद हर पार्टी के अंदर है, हर पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी केवल कांग्रेस पार्टी का जो नाम लेते हैं वो गलत लेते हैं, हर पार्टी में, समाजवादी पार्टी में है, मायावती जी की पार्टी में है, भाजपा का अध्यक्ष कौन है, किस परिवार के हैं? नहीं आप छोड़िए, मैं आप परिवार की बात कर रहा हूँ सर, हम कह रहे हैं कि परिवारवाद हर पार्टी में है, पूछ रहा हूँ परिवारवाद हर पार्टी में है, अध्यक्ष किस परिवार, ये चलता आ रहा है, लेकिन है गलत, भाजपा के अध्यक्ष के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी कि किसी विधायक मंत्री सांसद का बेटा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ले ले, मेंबर बन जाए तो वो परिवारवाद है, ये परिवारवाद इनके, ये परिवारवाद है, ये परिवारवाद, यस। और अध्यक्ष नहीं बताएंगे कि भैया कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, yeah. परिवार से आता है, और भाजपा का अध्यक्ष, देखिए जो आएगा अपनी मेहनत से आएगा, जो आएगा अपनी लगन से आएगा, अगर जिसको राजनीति करनी है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर देश में कांग्रेस नाम का कोई शब्द नहीं है तो राजनीति जीरो है, शून्य, विपक्ष स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, सुनो आज विपक्ष की मजबूती देख पा रहे हैं, विपक्ष मजबूत दिख रहा है, पांचों राज्यों में रिटर्न बैक कर रही है, पांचों राज्यों में वापस आएगी, पांचों राज्यों में वापस आएगी कांग्रेस। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार की अगर कोई पर्यायवाची भी है तो वो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ही भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, जैसे ये कह रहे ना कि सत्ता का में क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, क्या है? नहीं हो रहा है भाई, देखो ना 25 लड़कों के बीच में एक लड़की खड़ी है, कुछ हो ही नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार नहीं है। चलो चलिए ठीक है, सेंटर के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा था, उदाहरण भी गलत देते हैं आप भैया, और नहीं केंद्र के स्तर पे कुछ नहीं होता है, राज्यों के स्तर पर सब कुछ होता है, मेरे उत्तराखंड में क्या गड़बड़ नहीं हो रहा है,
भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन राजस्थान में ही गहलोत साहब के घर पे बेटे पे ईडी चली गई। क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है कि नहीं? बदलाव की बिल्कुल, देखो ऐसा है, बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। ये जो गठबंधन की सरकार है ये बेबुनियाद है, और हमारे आने वाले 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारे 2029 में हमारे उत्तराखंड के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी आएंगे। और रही बात महंगाई की, आप बात करते हैं ना, कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी, मालूम है आपके पास कांग्रेस के टाइम पे कितनी महंगाई थी? 13.2, और इस समय कितनी है? 3.2, समझ रहे हो आप बात? 10 पॉइंट का अंतर है, बता तो रहा हूँ आपको मैं। कांग्रेस बेरोजगारी की दरें भी तो बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी की दरें बढ़ी है तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है मैडम जी। और नहीं, ये किस चीज़ की बेरोजगारी बता रहे हैं आप? हर आदमी किसी ना किसी उस पर रोजगार पे लगा है, और जरूरी नहीं है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से आपको होंगे। हर आदमी आईएएस पीसीएस की नौकरी मांगेगा तो उसको नहीं मिलेगी भाई। और सरकारी महकमे के अंदर पहले से ही, कांग्रेस पार्टी के टाइम से ही IMPG होल्डर, MA इन इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अरविंदो कॉलेज, 89, लेकिन मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन हमने अपना काम किया, बच्चों को पाला पढ़ा, बड़े आज हमारे बच्चे दोनों बहुत कामयाब हैं, एक लड़का RTO में काम करता है देहरादून के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं, योग्यता के हिसाब से ही काम होता है। आप ये कहोगे हाँ जी ऐसा है वैसा है ये है, और रही बात गठबंधन बिल्कुल बेकार है। अच्छा आप कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी वाले डर रहे हैं, हमारे बीजेपी वाले क्यों डर रहे हैं? वो बेचारे एक आदमी को देख के 18 मंडल बना दिए उन्होंने, 18 पार्टियों का गठबंधन क्यों बनाया, 28 पार्टियों का गठबंधन बना दिया, क्यों? एक आदमी को हराने के लिए बेचारे 28 भेड़िए पैदा हो गए। लेकिन 28 महाभारत के चक्रव्यूह की याद आ गई है, इतिहास जो थे ना पहले पढ़ाए गए थे महाभारत के, तो वही है जैसे अभिमन्यु के सबने घेर के कौरवों ने मारे, वही प्लान ये बना रहे कि इसे मन्नू की तरह इसको भी मोदी जी को घेरेंगे। लेकिन ये तो आपने महाभारत की याद कर ली, तो कृष्ण भगवान कौन दिख रहा है? कृष्ण भगवान तो है ही, उसको कोई देखे थोड़े ना। लेकिन एक बात है ना, द्रोणाचार्य जी हमारे बैठे हैं ना यूपी में, गुरु तो वही थे ना उनके, है ना, तो वो चक्रव्यूह नहीं रचने देंगे ना उनको। ये जो चक्रव्यूह रच रहे हैं द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं ना हमारे जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, जो इनको जो सिखाया था ना वो आगे तीर कमान नहीं चलाने देंगे। आखिरी सवाल लूंगी, 2024 में क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ऊपर बैठे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जय श्री राम। मोदी जी फिर से चौकीदार। हेमा मालिनी के गालों वाली रोड का तो पता नहीं चल पाया। हाँ, उनकी नजर अभी तक हमको, हम तलाश रहे हैं कहाँ है, कहाँ रिसर्च करने उनका। हम तो उनका आखिरी तस्वीर देखे थे, उनका जैसे रसगुल्ला जैसे फूला गाल हुआ करता था, वो उसका रस तो निकल गया और खाली वो रबड़ी रह गया। यार का भी यही हाल, वो रबड़ी को तो उन्होंने CM बना दिया था, ताकि उनका सारा जो खुराफात था वो दबा रहे। खैर, 2024 में नन अदर देन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही आएंगे, और इसका कोई और कोई चलती रहेगी। 2024 के जो रिजल्ट है वो जब सामने आएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।